व्यापुर ब्लॉक के ग्राम पंचायत पिंडारी के नागराज पिंडारी के बीच बिच्छी नदी पर 5 साल पूर्व टूटी पुलिया के निर्माण न कराए जाने से खफा स्थानीय ग्रामीणों ने आगामी पंचायत चुनाव का बहिष्कार करने का रविवार को बिच्छी नदी की धारा में खड़े होकर अंजूरी में जल लेकर संकल्प लिया और कहा कि हम लोग जब तक पुलिया नहीं बन जाता तब तक ग्राम पंचायत क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के लिए मतदान नहीं करेंगे। साथ ही आगामी 2022 में होने वाले विधानसभा के चुनाव से भी दूर रहेंगे। ग्रामीणों ने कहा कि उक्त पुलिया का निर्माण 7 साल पहले प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से कराया गया था लेकिन निर्माण के 2 साल बाद ही पुलिया टूट गई। तब से लेकर विधायक जिलाधिकारी और लोक निर्माण विभाग से दर्जनों बार पुलिया के निर्माण की मांग की गई पर केवल आश्वासन मिलता रहा। ऐसे में हम लोगों ने निर्णय लिया कि हम लोग मतदान नहीं करेंगे। ग्रामीणों ने नदी का जल हाथों में लेकर संकल्प लिया है कि हम मतदान नहीं करेंगे। इस मौके पर ग्राम प्रधान धीरेन्द्र जायसवाल, प्रमोद यादव, ज्ञानचंद, मोहन सिंह, फूलमती, पुष्पा देवी, कमलेश विश्वकर्मा आदि मौजूद रहे। जनसेतु के लिए सोनभद्र से पंकज सिंह की रिपोर्ट। प्रमोद कुमार यादव, ये कैसा प्रदर्शन आप लोग आज कर रहे हैं? ये प्रदर्शन है सर कि 5 साल से पुड़िया टूटी हुई है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और सांसद विधायक हम लोगों को ये मोदी सरकार में पूरा उम्मीद था कि ये जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो पुलिया बनी थी, ऐसा घटिया पुलिया उनके सरकार में बना दिया गया कि कुछ ही दिनों में ये टूट गया। अब पूरे उम्मीद के साथ हमारे यहाँ से पब्लिक मोदी को जिताने का काम किए जिसमें कि ये पुल बन जाएगी, लेकिन 3 वर्ष बीते हो जा रहा है लेकिन ये पुल बनने की कोई आशा नहीं हम लोगों को लग रहा है। इसमें पूरे उम्मीद के साथ सांसद विधायक जो बने हम लोगों को आज तक इसको कोई देखा नहीं और किसी प्रकार से इसका आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। यहाँ के सांसद विधायक जो बने हुए हैं हम लोग पूरे उम्मीद के साथ जिताने का काम किए थे। अब पूरे हम ग्रामीणों का ये अनुरोध है कि अगर पुलिया नहीं तो वोट नहीं। हम लोग पंचायत चुनाव का बहिष्कार करेंगे, सारे अधिकारियों के समक्ष और पूरे गांव और जितने मोहल्ला है उस पर नगराज, मंद्रहवा, कैमा टोला, गैना डांड और सतपेड़वा, बैकल डांड, घंटा, तमाम मोहल्ला है जो उन मोहल्ला के सारे लोग मिल के हम लोग बहिष्कार करना चाहते हैं कि यदि हम लोगों की ये छोटा सा समस्या है ये पुलिया, इस मोदी सरकार में पूरे लोग उम्मीद किए हैं कि ये बन जाएगी लेकिन 3 वर्ष हो चुका है, इस पर कोई आज तक नज़र न डाला है न डाल रहा है। क्या नाम है आपका? अनीता देवी, आसम। क्या समस्या है बताइए? समस्या है कि मेरा डिलीवरी नहीं हो पाता है, टीका नहीं लग पाता है और गर्भवती महिलाओं को बहुत परेशानी पड़ता है, टीका नहीं लग पाता है, डिलीवरी नहीं हो पाता है, आने जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं आ पाती है। एम्बुलेंस कब नहीं आ पाती है? जब यहाँ पानी भर जाता है तब एम्बुलेंस नहीं आ जा पाती है, वैसे भी नहीं आ जा पाती है। तो आप लोग कितना दिन इस पार नहीं जा पाती हैं पानी के उस पार? अरे जब से डैम है तब से, अब पुलिया टूटी है तब से कोई नहीं जा आ पाता है। तो कितना महीना रास्ता प्रभावित रहता है पानी से? पानी से रहता है 5-6 माह का। फूलमती, ये प्रदर्शन आप लोग काहे कर रही है? परेशानी है। क्या परेशानी है, पूरा बात बताइए। बहुत परेशानी है कि पुलिया टूट गई है, 5 साल से हो गया और मोदी सरकार 3 साल हो गया वो कुछ नहीं देखवा बनवा रहे हैं, हम लोग का डिलीवरी नहीं हो पा रहा है, टीका नहीं लग रहा है, बीमार दुख में सब लोग मर जा रहे हैं यही डुबान के पीछे रहकर, परेशानी है और क्या। ये क्या मोदी सरकार हो गए हैं तो ये नहीं बनेगा, कोई हमको नहीं देगा ये रास्ता रोड, हम लोग मरा यही डुबान के पीछे। तो ये रास्ता तो पिछला सरकार में बना था ना पुलिया, टूट गया तो उसको बनवाना चाहिए ना। इसके लिए आप लोग क्या क्या किए अभी तक? क्या किए, बहुत किस किए ये साहब, ये प्रधान लोग सब लोग किए के क्या देते हैं कागज पत्र, कोई सुनाई नहीं होता है, कोई नेता पर नेता नहीं सुनते हैं। ज्ञानचंद यादव, ये आप लोग क्या कर रहे हैं? जो कि 5 साल से पुलिया सही थे, हम सब एक ग्रामीण वासियों जो है कि यहाँ पे जो जितनी भी प्रतिनिधि है जो है कि हम लोग जब तक ये विकास पुल नहीं बनेगी हम लोग जो शपथ लेते हैं आज के बाद जो है कि हम लोग वोटिंग नहीं करेंगे। क्या हमें वोटिंग नहीं करेंगे? जो अभी आने वाला चुनाव है और जो कि चाहे विधानसभा चाहे लोकसभा जो भी है ये सब हम लोग वोटिंग नहीं करेंगे, इस बार शपथ लेते हैं सभी लोग। धीरेन्द्र कुमार जायसवाल, ग्राम प्रधान पिंडारी। ये आपके ग्रामीण आज कैसा है प्रदर्शन पुलिया पर कर रहे हैं? देखिए यहाँ 5 वर्ष पहले ये पुलिया टूटा हुआ है जो कि हम लोग कई बार DM साहब को लिखित और सांसद विधायक
जो वर्तमान में हमारे विधायक हरिराम चेरो जी और सांसद हमारे जो हैं, कई बार लिखित दिए लेकिन वह सब आश्वासन देते हैं कि अभी धन की कमी है या अभी हमारे पास व्यवस्था नहीं है, जैसे ही फंड आएगा हम लोग ये पुलिया का निर्माण करेंगे। लेकिन कई बार जय साहब भी लोग आए लेकिन बोले कि एस्टिमेट बन गया, लेकिन आज तक कोई निर्माण कार्य नहीं किया गया और 2-2.5 साल से केवल आश्वासन दिया जा रहा है कब बन जाएगा तब बन जाएगा। जब बरसात आता है तो इसमें पुलिया, लकड़ी की पुलिया बना के हम लोग नन्हे मुन्ने बच्चे, गर्भवती महिला और जो भी 108, 102, 112 जो भी गाड़ियां हैं, कोई भी गाड़ियां क्रॉस नहीं कर पाती हैं, जो कि 8 महीने तक बहुत बड़ा समस्या होता है। इस समय हम लोग ये सोचे हैं कि यदि इस बार हम लोग के गांव में यदि इस पुलिया का निर्माण नहीं किया जाएगा तो हम लोग किसी भी आधार पर सांसद विधायक को वोट नहीं देंगे। हम लोग बिल्कुल एकदम मूड बना लिए हैं।